सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। क्या क्रेकोर के पास उसकी अपनी चाबियां नहीं है? वो तुम्हारी चाबियां क्यों चुराएगा? उस कमरे के चार ताले हैं और वाजह है कि कौन सी चाबी कौन सा ताला खोलती है। शायद वो ये चाहते हैं कि सारा का सारा इल्जाम मुझ पर आ जाए। मुझे कारतोफ मिल गया, असले की नुमाइश के लिए पाया तख्त रवाना हो गया है। उसने कहा है कि वो नुमाइश के बाद पाया तख्त में मिल सकता है। ये उन लोगों की फहरिस्त है जो असलहे की नुमाइश में शामिल होंगे। अगर इमरो असलहा खरीदते हैं तो वो असलहा इस फहरिस्त में शामिल किसी फर्द से हासिल करेंगे। मैं इतराफ नहीं करूंगा क्योंकि ये मैंने नहीं किया। क्रेकोर अपनी जान तो दे सकता है लेकिन गद्दारी नहीं कर सकता कभी। या तो अहमद पाशा साइबेरिया जाएंगे या फिर हजारों किरिम तुर्क, फैसला आपका है। आप निशानदेही कीजिए कि ये किसने और क्यों किया है। तहकीकात का आगाज कीजिए और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। उसका नाम जॉन कारतोफ है। यही वो शख्स है जिसने इमरो को हथियार फरोख्त किए थे। अगर आप सुल्तान मौसम को बताएंगे तो वो हुक्म देंगे, वो हुक्म देंगे कि मत जाओ। खिलाफ अर्जी नहीं कर सकता मैं। जॉन कारतोफ, अब जा सकते हैं। बहुत हो गया ये सब, मैं सिरदर्द होता हूं। हमारे साथ चलो। जनाब कारतोफ भी हम सबके साथ हुआ है, मेहरबानी करके सवार हो जाए। ये मेरा आखिरी मुआहिदा है तुम्हारे साथ। अब हम कोई काम नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे? ये हमारा इलाका है, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। अब चलो। हमें आप पर भरोसा है। हम मुंतजिम साहब से बात करते हैं कि वो बुरसा के लिए किसी और का इंतखाब कर ले। वहाँ भी हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुल्तान मौसम, क्रेकोर साहब को किसी और जगह तैनात कर दिया गया है। हमने ये जिम्मेदारी अहमद पाशा के सुपुर्द की थी। सुल्तान मौज़म, अहमद पाशा? अहमद पाशा को बुलाइए। अहमद पाशा, जो हम सोच रहे हैं वो मत कहिएगा पाशा। सुल्तान मौज़म, उन्होंने कहा है कि वो मुसलमानों को बेसुकून नहीं होने देंगे। वो चले गए, उन्होंने रूसी सिफारत खाने के आगे हथियार डाल दिए। तस्लीम पाशा, हमारी इजाजत के बगैर ऐसा कैसे हो सकता है? यकीनन हमारे पास हर चीज के लिए एक मंसूबा है। क्या ये जांबाजी दिखाने का सही वक्त था? मैं रोक नहीं सका सुल्तान मौसम। अब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अंग्रेजी सफीर ने क्रीम तुर्कों के बारे में आपकी धमकी सुल्तान तक पहुंचा दी है। मैं समझा नहीं,
हम पहले ही दूसरा नक्शा दिखाकर उस्मानियों को अपना जवाब दे चुके हैं। अहमद पाशा के लिए वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। आप गलत कह रहे हैं। अगर हम अहमद पाशा को अब्दुल हमीद से हासिल नहीं कर सकते तो पायतख्त पे हासिल नहीं कर सकेंगे। आ जाए जनाब। अहमद पाशा आए हैं, खुद को हवाले करना चाहते हैं। आने दो उन्हें। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर तुर्क इतने रहम दिल ना होते तो हम उनसे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते थे। उस तरफ एक और रास्ता है, आप वहां से जाइए। आपका दिन अच्छा हो। गिरफ्तार करना चाहते हो मुझे? खुशामदीद। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम। अगर इसके बाद भी क्रिम तुर्क लोगों के घरों को जलाया गया, अगर उनके बच्चे गायब हुए या उन्हें किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ पहुंचाई गई तो मैं सर्बिया से भाग जाऊंगा और अल्लाह शाहिद है कि मैं तुम्हें पाताल से भी तलाश करके तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। नुमाइश के लिए लाए जाने वाले हथियार और आने वाले ताजिरों की हिफाजत अहम है। क्या उस्मानी हिफाजत की यकीन दहानी करवाएंगे? बिल्कुल, उस्मानी सिपाही मुहैया किए जाएंगे हिफाजत के लिए। मैं बस यकीन दहानी के लिए ऐसा कह रहा हूं। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो हम अपने मुहाफिजों का इंतजाम कर सकते हैं। नहीं नहीं, ठीक है फिर जनाब। हाँ, और हमें मुआहदा लिखने के लिए कुछ कातिबीन की जरूरत भी होगी, उसका इंतजाम मैं कर लूंगा। बिल्कुल नहीं हुम्बर साहब, बिल्कुल नहीं। उस्मानी कातिबीन मौजूद हैं जो इन तमाम मामलात की देखभाल कर लेंगे। कौन कितने हथियार बेचेगा, उनकी कीमत क्या होगी और वो कहां पर अदायगी करेंगे, इन सब मामलात का ख्याल उस्मानी कातिबीन और अफसरान कर लेंगे। लेकिन हमने सुना है कि महल में इतने आदमी नहीं है। दरअसल सुल्ताने मौजम ने कुछ अफसरान को मुख्तलिफ जगहों पर तैनात किया है। इसके लिए तो दूसरे लोगों की खिदमत हासिल करने दें। बिल्कुल नहीं जनाब हुम्बर, उस्मानी अफसरान बड़ी तादाद में है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि बराहे करम ये बातें सोचकर परेशान मत हो, यही बेहतर है। जनाब, एक नौजवान आपसे मिलना चाहता है। किस लिए? किसी अदबी मसले पर बात करने के लिए। आने थे उन्हें। आइए तशरीफ रखिए। आप कौन हैं जनाब? डेविड ग्रोन, मैं कानून का तालिब इल्म हूं यहां। बहुत खूब, आप किस लिए आए हैं? मैं तुमसे मिलूं ऐ मेरे प्यारे वतन, लेकिन कैसे? रियासत ने ही जब मेरी मदद नहीं की तो अब मैं क्या करूं? ये जैम सुल्तान की नजम है। ऐ खूबसूरत महबूब, तुम्हारा साथ ही मेरी खुशी है और तुम्हारे साथ ही सुकून, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी किस्मत ने ही मेरा साथ नहीं दिया और मेरे हाथ बांध दिए। उनका कहना है कि रियासत ने मेरी मदद नहीं की। किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। वो रियासत पर हुक्मरानी करना चाहते थे लेकिन वो अपने लालच से शिकस्त खा गए। हमें बताएं, क्या आप यहां शायरी के बारे में बात करने आए हैं? जानता हूं आपको शायरी से लगाव है, जैम सुल्तान की तरह। हम जैम सुल्तान और शायरी दोनों से मोहब्बत करते हैं। जैम सुल्तान ने तख्त हासिल करने के लिए बहुत कोशिशें की, बगावत की, जंग की और असीर हुए। उन्होंने हार नहीं मानी, इसलिए हम उनकी बगावत और जंग का एहतराम करते हैं। तो फिर मैं सही पते पर आया हूं। किस लिए?
मेरे पास जैम सुल्तान का गुमशुदा दीवान है। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो मैं इसे आपको बेचना चाहता हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? पॉपी के महल में कैद के दौरान लिखी गई नज़म। वो कहाँ है? फिलहाल नहीं है। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो इस पते पर आएं और दीवान देख लें। देखो बेटा, हम वली अहद हैं। हम अपने भाई की सलामती की खातिर बगैर इजाजत महल से बाहर हरगिज नहीं निकल सकते। समझ गया। जैसे आपकी मर्जी। मैंने आपको पेशकश की। मैं ये किसी को भी बेच सकता था, लेकिन मैं किसी अहले इल्म को बेचना चाहता था। आखिर जैम सुल्तान आपके अजदाद में से हैं। अगर फिर भी आप ये मौका हासिल करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए। आपको गुदगुदी नहीं होती है क्या? इधर आओ, इधर आओ। पकड़ लिया मैंने आपको। गुलजमा, इधर आओ। मेहमत, खुश आमदीद। मैं खुश नहीं हूं इस वक्त। आपने हमें बताना भी मुनासिब नहीं समझा। आज आप जा रही हैं ना यहां से? क्या आप कुछ दिन रुक नहीं सकती? मैंने अपना सामान बांध लिया है। इंशाल्लाह मैं आज जा रही हूं। अभी तो मिले थे हम, इतनी जल्दी क्यों आखिर? मैं आज यहां से जा रही हूं क्योंकि मैं महल आ रही हूं। क्या मतलब? दीदार सुल्तान चाहती हैं कि मैं शहजादे नूरुद्दीन को पढ़ाऊं। उन्होंने कहा है कि वो बुरसा के लिए किसी मुनासिब उस्ताद का इंतजाम कर लेंगी। क्या सच कह रही है? शुक्र है अल्लाह का, उसने काशिक के दिल की पुकार को सुन लिया। और वो पुकार क्या थी? मैं तुमसे अभी और इसी वक्त शादी करना चाहता हूं। इतने बड़े महल में इसके अलावा कोई कमरा ही नहीं है। ये कमरा पहले ही छोटा है और अब तीसरी लड़की आ रही है। अब कहाँ रखूं मैं इन्हें? क्या मैं इन कपड़ों को कूड़ेदान में फेंक दूं? मेरी तरफ की अलमारी इस्तेमाल कर लो दिलरुबा। और तुम्हारी चीजें कहाँ रखूं? मैं इस पे रख लेती हूँ अपना सामान। ये जगह नहीं घेरेगी क्योंकि मैं इसे अपने बिस्तर के नीचे रख दूंगी। वैसे भी मेरा ज्यादा सामान नहीं है। ठीक है, फिर बाद में मत कहना मुझसे। इतना अच्छा बनना भी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा अपने लिए भी सोचना चाहिए। तुम अपने कपड़ों का भी ख्याल रखा करो मैसियत। उन कपड़ों को फेंक दो जो तुम्हारी नजर में पुराने हो चुके हैं। जो तुम्हें कम लग रहा है वो मेरे लिए बहुत है दिलरुबा। मेरे पास आराम करने के लिए गर्म बिस्तर और कमरा है। मैं दरख्तों और फूलों को खिड़की से देख सकती हूँ। और मेरे पास दो लिबास है जिन्हें मैं बारी बारी पहन सकती हूँ। अच्छा, मुबारक हो तुम्हें। क्या तुम सुल्ताना की तरह अच्छे लिबास और जेवरात नहीं पहनना चाहती हो? बताओ मुझे। उन लिबासों और जेवरात की जिम्मेदारियाँ भारी और मुख्तलिफ होती हैं। महल की जिम्मेदारियों को संभालना और सैकड़ों मुलाजमीन का ख्याल रखना और महल से बाहर भी लोगों की जरूरियात का ख्याल रखना आसान नहीं है। मतलब तुम अमीर नहीं होना चाहती? शुक्र मेरी सबसे बड़ी दौलत है। ठीक है, तुम शुक्र ही करती रहो। ये तो वाज़ह है तुम होशियार नहीं हो सकती। लेकिन मैं पूरी जिंदगी इस कमरे में नहीं गुजार सकती। देखना, बहुत जल्द मेरे ख्वाब पूरे होंगे। वैसे ये नाम आप पर जचता है बहुत, और आप तो चुगली करने में बहुत माहिर हैं। कुछ ख्वाबों की ताबीर हासिल करना नामुमकिन होता है।
तो बताओ मुझे, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे 1000 बंदूक और बारूद चाहिए। और कुछ? दस्ती बम। और क्या भारी हथियार है? मेरे पास वो सब है जो तुम चाहते हो। बहुत खूब, मुझे 10 खुदकार बंदूकें भी चाहिए। ठीक है, हम हथियार कहां पहुंचाएंगे? सिलानिक की बंदरगाह पर। ठीक है, ये लागत आएगी, रकम अदा करो। मैं जहाज में मौजूद अपने आदमी को इतला देता हूं, वो 1 या 2 दिन में बंदरगाह पे पहुंच जाएंगे। तुम जाकर अपने आदमियों को हुक्म दो, रकम भी मिल जाएगी। गरीब ने तुम्हें मेरे बारे में बताया नहीं शायद? रकम लिए बगैर किसी को एक गोली भी नहीं देता मैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। मुझे सिर्फ सरमाया यकीन दिलाता है। बात खत्म। तुम वैसे भी इस बदतरीन दिन के लिए मेरे मकरूस हो। सुनो कार्तो, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई। अपने आदमियों को हुक्म दो कि वो फौरन हथियार लेकर बंदरगाह पहुंच जाए, मेरे पास आया करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। अगर तुमने मजीद मेरे सब्र को आजमाया तो मैं वो तमाम हथियार तुम पर ही आजमाऊंगा। अब मेरे साथ ऊंची आवाज में बात मत करना। मेरी बात सुनो। पुरसुकून हो जाओ, रकम देते हो तो ये मसला निपट जाएगा। जोरिस, ये वो जगह है जहां तुम रकम दोगे। रकम लाओ और मुझसे अपने हथियार ले जाओ। उसके साथ ऐसा मत करना, ये असलिया माफिया का एक अहम फर्द है, हम इसे शिकस्त नहीं दे सकते। वो हमें मार देंगे जोरिस। वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो हरगिज हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जोरिस, अब तुम क्या करोगे? लार्स, जालमन को खबर भेजो, कहो कि उसके पास वक्त नहीं है, उसे फौरी रकम देनी होगी, वरना ना इमरो तंजीम रहेगी और ना हम। मोनिका, खुशामदीद महमूद बाबा, आपका खाना तैयार है। अल्लाह माफ करे, मैं बाहर से खाना खाकर आया हूँ, मुझे अब बिल्कुल भी भूख नहीं है बेटी, अल्लाह तुम्हारा भला करे। ये खुशबू पहले जैसी बिल्कुल नहीं है, ये इसमें से आ रही है। या अल्लाह, इंशाल्लाह ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भुनी हुई मुर्गी, बहुत लजीज है। मैंने नहीं बनाया। तो क्या सनिया वापस आ गई है? मेरी जान बचाने वाली सकीना ने बनाया है। ये वाकई बहुत लजीज है, ये सकीना कौन है? महमूद बाबा, जब मैं पाती तक आ रही थी तब अचानक एक घोड़ा गाड़ी ने तकरीबन कुचल ही दिया था मुझे। फिर वहाँ सकीना आई और उसने आकर मुझे बचा लिया और वो कोचवान भाग गया। उसके बाद सकीना उसके पीछे तेज 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 दौड़ी और उस कोचवान को पकड़ कर मारा उसने। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी निहायत ही ताकतवर, बहुत ही मजबूत है सकीना खातून, माशाल्लाह माशाल्लाह। वाकई उनके हाथ में बहुत लज्जत है, माशाल्लाह। महमूद बाबा, मुझसे खाना नहीं बना तो उसने बना दिया। पता करो, अगर वो सकीना खातून बेरोजगार हैं तो हमारे लिए खाना बनाने का काम कर ले। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा महमूद बाबा, मैं यहाँ फौरन बुला लेती हूँ उसे। सकीना, क्या वो यही है? बिल्कुल महमूद बाबा, वो यही है। हाँ, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। सकीना, आपकी जान बचाने वाली सकीना ये है? जी हाँ।
आपको घोड़ा गाड़ी से इसने बचाया? बिल्कुल ममूद बाबा। कोचवान को पीटने वाली खातून ये है? जी हाँ। नहीं हो सकता, नहीं कर सकती। मैं क्यों नहीं कर सकती? इसलिए कि मैं छोटी हूँ। बिल्कुल नहीं, नहीं सकीना साहिबा, मेरा ये मतलब नहीं था। आप क्यों छोटी होने लगी? आप तो बिल्कुल मुनासिब कद की हैं। बस हमारी मोनिका जरा भारी भरकम है। यानी मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने इसे कैसे खींचा होगा, कोचवान की कैसे पिटाई की होगी, बस ये बात समझ नहीं आ रही। अल्लाह अकबर, अल्लाह, इसने कुर्सी पर हमला कर दिया। अल्लाह, ये तो तोड़ डालेगी इसे। या अल्लाह, मेरे अल्लाह, पुरसुकून हो जाए सकीना साहिबा, पुरसुकून हो जाए, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, पुरसुकून हो जाए। कैसा लगा? शानदार। इस इमारत के तीन दाखिली दरवाजे हैं और एक खुफिया रास्ता भी है। आओ बैठो। आप हर चीज के बारे में सोच रहे हैं और तमाम कदम नापतोल कर उठा रहे हैं। क्योंकि मैं अब्दुल हमीद से लड़ने वालों का अंजाम जानता हूं जनाब हुम्बर। हमने अहमद पाशा अब्दुल हमीद के हाथों से छीन लिया है, अब हम क्या करेंगे? हाँ, छीन तो लिया, लेकिन सुल्तान की नजर में अहमद पाशा का शुमार धोखा देने वालों में होना चाहिए। अब्दुल हमीद अभी भी उस पर भरोसा करता है। अब्दुल हमीद का एतमाद अहमद पाशा पे मुतजलजल करना इसलिए भी जरूरी है कि सबसे काबिले भरोसा आदमी की गद्दारी अब्दुल हमीद के हौसले पस्त कर देगी। ये कैसे होगा? आ जाओ बाबा जान, अच्छी जगह है, इसका खुफिया रास्ता होना बहुत अच्छा है। इजाजत दे तो बैठ जाऊं। अहमद पाशा की तफ्तीश से बच निकले तुम? बिल्कुल, मैंने एक बेगुनाह पर इल्जाम डाल दिया, अब तमाम शुभात उस पर हैं, उसे महल से बर्खास्त कर रहे हैं। ये कैसे किया तुमने? मैंने चाबी किरीकोर साहब के कमरे में छुपाई, फिर अहमद पाशा को बताया कि उसने चोरी की है। खूब। किरीकोर साहब वफादार आदमी थे, लेकिन अफसोस। जी नहीं, किरीकोर साहब अपने फर्ज पर बहाल हो जाएंगे। मैं समझा नहीं। तुम अब्दुल हमीद के पास जाकर उसे बताना कि किरीकोर वफादार आदमी है और उसे क्यों निकाला गया, ये आपको समझ नहीं आया? इससे क्या होगा? अहमद पाशा ने अब्दुल हमीद के अतराफ से वफादार लोगों को हटाने के लिए तुम पे दबाव डाला था, और याद रखना कि तुम्हें झूठी गवाही देने पे मजबूर किया था। तुम एक शैतान हो। जाओ। फिर मिलते हैं बाबा जान। ये भी तुम्हारा बेटा है? जनाब हुम्बर, मेरे बहुत से बच्चे हैं और जवाद उनमें से एक है। यतीम खाने से लिया था मैंने इसे, इसकी परवरिश की, मैं इसका बाबा हूं, लेकिन वो मेरा बेटा नहीं है। तहसीन पाशा, हमें उस जख्म को ध्यान में रखना चाहिए था जो हमें पहले भी लगा था। अब हम क्या करेंगे? अहमद पाशा को कैसे वापस लाएंगे? मुझे डर है कि वह अहमद पाशा पर तशद्दुद करके उनसे रियासत के राज ना उगलवा ले। इंसान का किरदार एक बहुत अहम खसूसियत होती है पाशा, आप उनके नाखून उखाड़ दें, उन्हें खून में नहला दें, उनकी खाल खींच लें, उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलवा सकते। अहमद पाशा किस किरदार और खूबियों के मालिक हैं रूसी अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो ऐसी कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हमें पाशा को वहां से निकालना होगा। जी सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, अहमद पाशा की गैर मौजूदगी में मैं जासूसी निजाम देख रहा था, एक अहम खबर मिली है। वो क्या? आपके भाई मेहमत रेशद, वो अपने
घर से निकले खुफिया तौर पर, लेकिन मुहाफिजीन ने उन्हें देख लिया। तो वो कहां गए? फिलवक्त तो ये बात नहीं जानते हम, ताकुब जारी है। हमारे भाई के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए पाशा, ना ही जहनी और ना ही जिस्मानी तौर पे। मुहाफिज उनका ताकुब जारी रखें। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम, ये मामला मैं जाती तौर पर देखूंगा। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। हमने जो उसूल मुकर्रर किए हैं वो रियासत और अवाम की भलाई के लिए है, लेकिन हर कोई अलग दुनिया के बारे में सोचता है और उसके ताकुब में निकल पड़ता है। और फिर रियासत उनके, फिर उनके पैदा करदा मसाइल से रियासत निमटती है। मेहमत रिशाद से बात की तुमने? की है। आपकी हिदायत के मुताबिक वो जैम सुल्तान के गुमशुदा दीवान को ना ही नहीं कर सका, वो जरूर आएगा। हम अपनी नई जगह पर मिलेंगे। तौफीक फिकरत से कह दिया है, वो भी आएगा और मुखालिफ मुसन्निफीन भी। बहुत खूब। मेहमत रिशाद का मुखालिफीन के दरमियान पाया जाना अब्दुल हमीद को परेशान करने के लिए काफी होगा। खुफिया तौर पर महल से निकलना भी काफी होगा। मैं रूसी सफीर से मुलाकात करूंगा और आप वली अहद की अच्छी मेजबानी करेंगे। आ जाए। जनाब सलमान साहब आए हैं। आने दीजिए। खुश आमदीद। शुक्रिया। आइए। बगैर तमहीद के बात करते हैं, अहमद पाशा कैसे हैं? वो सर्बिया की तरफ जिला वतनी का इंतजार कर रहा है। रूसी जहाज उसे यहाँ से लेकर जाएगा। नहीं, आप उसे जिला वतन नहीं करेंगे। क्या हमने अब्दुल हमीद से उसे इसी वजह से नहीं लिया था? अहमद पाशा को जिला वतन नहीं करेंगे आप, क्रिम का निगरान बनाएंगे। समझा नहीं मैं। समझने की जरूरत भी नहीं, जो कहा है बस वो करें। अहमद पाशा को क्रिम का निगरान बनाएं। मेरी ख्वाहिश है कि आप बता दें अपनी हुकूमत को ये सब। शब्बा खैर। शब्बा खैर। मोहतरम शहजादे, आपका यहाँ क्या काम है? मेरे अल्लाह सुल्तान मौजम ये सुनकर कितने अफसरदा होंगे। दारुल खैर अली की सूरत हाल क्या है मलिका, और हमारा बच्चा वहां किस हाल में है? तबीब के मुताबिक खतरे की कोई बात नहीं सुल्तान मौसम, लेकिन वो बच्चा भूखा प्यासा और थका हुआ था और उसके जिस्म पर चोटों के निशान भी हैं। वो पूरा दिन सोता रहा है, यहाँ तक कि हम भी उसे नहीं जगा सके। हम उसके जागने के बाद ही उससे बात करेंगे। आप सिर्फ बात ही नहीं करेंगी, शफकत भी करेंगी। सुल्तान मौसम, काश कि हम दुनिया के सारे बच्चों को खाना खिला सकें और हर रात उन्हें कहानियां सुनाकर सुला सकें। हम जानते हैं कि आपके चेहरे की तरह आपका दिल भी खूबसूरत है। शुक्रिया। बदकिस्मती से हम उस बच्चे की हिफाजत नहीं कर सके। वो वहाँ कितना नाखुश था कि फरार होना चाहता था, हम उसे रोक ही नहीं सके। अब्दुल कादिर की तरह। अब्दुल कादिर? क्या वो दोबारा छुपकर बाहर जाने लगे हैं? आप देख रही हैं मलिका, कभी हम अपनी औलाद के मसाइल हल करने से भी कासिर होते हैं, इसलिए खुद को इल्जाम मत दीजिए।
जी, आप क्या चाहते हैं? पाया तख्त में आपको खुशामदीद। शुक्रिया। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम उस्मानी जासूस हो जो हमारा पीछा कर रहे थे। यहां क्यों आए हो? जिन लोगों की वजह से आप तक पहुंचे वो अपने जराइम की वजह से मतलूम है। आपका उनके साथ क्या ताल्लुक है? अंदर आइए, आराम से बात करते हैं। जोरिस और गुरीब मुझसे इमरो तंजीम के लिए हथियार चाहते हैं। अगर आप उन्हें हथियार फरोख्त करते हैं तो यह बात नाकाबिले मुआफी होगी। पाए तख्त की हवा कुछ मुख्तलिफ है, हर कोई मुझे धमका रहा है। क्या आपको लगता है कि मैं गंदम का ताजर हूं? मैं इसलिए का ताजर हूं, लोग जानते हैं मुझे। तुम एक रियासत के लिए काम करते हो और मैं हजारों के लिए। मेरी मौत से बहुत खून बहेगा, तुम सब डूब जाओगे। खलील खालिद के जासूस, चलो अब असल मामले की तरफ आओ। जरूर आइए जनाब, कुछ ज्यादा ही बोलते हैं आप। देखो, मेरे पास इसलिहा है। मैंने इस बारे में जोरिस और गुरेफ से बात की। हमारा मुहिदा तय पा चुका है, जब वो रकम लाएंगे तो इसलिहा उनके हवाले कर दिया जाएगा। यह मुहिदा बिल्कुल नहीं होगा। होगा होगा, क्योंकि मैंने अपने मालिकान को बता दिया है। अगर कोई इसमें खलल डालता है तो उस पर अफसोस है, लेकिन मैं वही हथियार और किसी को ज्यादा दामों में बेच सकता हूँ। इससे मेरे मालिकान खुश होंगे, क्योंकि ये एक बेहतर सौदा होगा। मैं आप लोगों से इतना ही कह सकता हूँ, चलें, अब मुझे इजाजत दें। तुम्हारी इतनी उस्मान, ठहर जाओ, हम जा रहे हैं। उस्मान, दातार साहब की वजह से बच गए तुम। सुल्तान मोहसम, हमने नुमाइश के मुतालिक बहुत से मसाइल हल कर लिए हैं, हम जल्द ही दावतनामे जारी कर देंगे। आफरीन। लेकिन आप ये जानते हैं कि वो उस्मानी आबदोसी है जिसने नुमाइश को पुरकशिश बनाया है। जब हमारे मेहमान आएंगे तो आबदोस की फरोख के लिए बात की जाएगी, क्या ये मुमकिन होगा? फिक्र मत कीजिए हम्बर साहब, आइए। गुस्ताफ साहब ने अभी तक काम खत्म नहीं किया। बदकिस्मती से वो ये काम बहुत आहिस्तगी से कर रहे हैं। उसे तलाश कर लिया था? तार कर लिया जनाब, होटल में है वो। हमारी बात हुई उससे। क्या बात हुई? जब वो रकम देंगे तो वो हथियार सौंप देगा। उसे किस बात का गुरूर है मैं नहीं जानता, उसे जरा डर नहीं। इस काम को खत्म करने का वाहिद तरीका जोरिस और ग्रेव को तलाश करना है। सामने नहीं है वो लोग, होटल की निगरानी हो रही है। हो रही है जनाब, हम ये मुआहदा तोड़ देंगे। कैसे चाचा? एक गोली यकतरफा तौर पर पूरे के पूरे मुआहदे को तोड़ देगी। जनाब, मैंने उस आदमी पे थोड़ी तहकीक की है, उसका इतना निडर होने की एक वजह है, वो कोई मामूली असलाहा फरोश नहीं है। वो तमाम असलाहा फरोशों के गैर कानूनी मामलात का ख्याल रखता है। अगर उसे कुछ होता है तो मामला कुछ और रंग इख्तियार कर लेगा। चलते हैं तातार, जो भी होगा देख लेंगे। चलो जोरिस, हथियार मिलने के बाद हम क्या करेंगे? हम गुरेव के साथ मिलकर काम करेंगे। अगर सालमन रकम नहीं देता तो क्या करेंगे? वो देगा, उसने मुझे ये सब करने को कहा है। अगर वो बलकान को उस्मानियों से छीनना चाहता है तो उसे ये करना ही होगा। लार्स, रकम मिल गई मुझे। बहुत खूब, सब कुछ कारतोफ की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। ऐसा ही होगा।
सुबह बखैर। क्या मैं आपको जानती हूँ? मैं शहजादे नूरुद्दीन की नई मौलिमा हूँ। उस सूरत में मुझे जानने की जरूरत नहीं। शहजादे किसी मौलिमा को रहने नहीं देते। एक हफ्ते की बात है, आप भी चली जाएंगी। इतना खुश ना हो कि आप महल में आई हैं। मेरा मतलब है कि आप यहाँ मुस्तकिल नहीं रहेंगी। सुल्ताना, सुबह बखैर बहार। गुलजमाल, खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया सुल्ताना। आज सुबह मकतब में हमारा बेटा कैसा था, आप मिली थी? जी सुल्ताना, मैंने देखा। वो जाग क्या था लेकिन एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। हम अभी उससे मिलने जाएंगे, इंशाल्लाह हमसे बात करेगा वो। हम आपको नूरुद्दीन के कमरे में लेके चलते हैं। ज़रूर सुल्ताना। ठीक है, फिर मिलते हैं। आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका काम आसान हो गुस्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सुल्तान मुअज्जम। काम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। जी सुल्तान मुअज्जम, इस खाके में कुछ नुकात याद नहीं आ रहे मुझे। और मैं अपने घर पर भी काम नहीं कर सकता। वो क्यों? आप तो जानते हैं कि माजी में मेरे साथी के साथ क्या हुआ था। आपने उस आग की जगह का जायजा लिया होगा। जिन लोगों ने मेरे साथी को कत्ल किया, डर है कि वो मुझे भी मारने की कोशिश करेंगे। वो किसने किया था, ये एक मुअम्मा है। मैं भी इससे खौफजदा होकर भाग गया था सुल्तान मौसम। बरसों तक हमारे जासूसों ने यह मालूम करने की कोशिश की कि वो आग किसने लगाई, लेकिन हमें कोई नतीजा नहीं मिला। जब मैं हादसे की जगह पर गया तो मुझे कुछ मिला था सुल्तान मौसम, शायद वो मेरी हिफाजत करने में आपकी मददगार साबित हो। ये देखिए सुल्तान मौसम, मैंने इसे हादसे की जगह पर पाया था। खौफजदा होकर इसे लेके इसलिए भागा कि कहीं मुझे भी ना मार दिया जाए सुल्तानी मौसम। अगर आप ये हमें पहले दे देते तो हम अब तक ये मालूम कर चुके होते कि किसने किया है। महमूद पाशा, इसकी मदद से मालूम करें कि ये किससे ताल्लुक रखता है। जो हुक्म सुल्तानी मौसम। हमें ये बताइए कि मोनिका महल के आदाब और अखलाकियात सीख पाएंगी? बेदार सुल्तान ने मुझे हुक्म दिया था, लेकिन मैं महल के आदाब और अखलाकियात आपसे बेहतर नहीं जानती हूँ सुल्ताना। आप भी काबिले सिताइश हैं। आपके भाई तौफीक पाशा को आप पे कितना फख्र होगा। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी तरफ से ये सब सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई है सुल्ताना। आपके ये अल्फाज और आपकी दाद मेरे लिए बहुत मायने रखती है। नाइमे की मसरूफियात भी बढ़ गई हैं, इसीलिए मुझे आपसे फुर्सत में मुलाकात का मौका मिला है। नाइमे की क्या मसरूफियात हैं? वो नूरुद्दीन साहब को उनकी मौलिमा से मुतारिफ करवाने गई हैं। नई मौलिमा आ गई हैं? कौन है, कहां से आई हैं, हमें कोई खबर नहीं। मुझे नहीं मालूम सुल्ताना, लेकिन वो लड़की मुझे एक आंख नहीं भाई। बहुत ही आम सी लड़की है, शहजादे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। शहजादे, आप खुश नहीं हैं कि मैं यहाँ आई हूँ? नहीं, क्योंकि आप भी जल्दी चली जाएंगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे उस्ताद हमसे कभी खुश नहीं होते और ना हम उनसे खुश होते हैं। फिर आए थोड़ा खेलते हैं, इस तरह हम में से कोई भी तंग नहीं होगा, क्या कहते हैं आप? हम बार बार एक ही खेल नहीं खेलते, कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है। शहजादे, हमारे पीछे दुश्मन है, चलिए छुपते हैं। क्या? जल्दी करें शहजादे। क्या हुआ है? जल्दी से आ जाए, इधर आ जाए, छुपते हैं यहाँ पर। हम फौजी वाला खेल खेल रहे हैं क्या? जी शहजादे, आ जाए, जल्दी करें, वो बहुत करीब आ गए हैं। शहजादे जल्दी करें। क्या हुआ? आप मुझे दुश्मन के सामने बेबस छोड़ देंगे। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी से यहाँ खंदक में छुप जाते हैं। जल्दी करें।
हमें कुछ करना होगा। बम फेंके उन पर। हमारे करीब आ रहे हैं। बम। अब हम क्या करें शहजादे? बंदूक को यहाँ से पकड़ा जाता है। ठीक है, अब अपनी एक आँख बंद कीजिए। कर ली। बाएं आँख से निशाना लगाएं। बम बम। शहजादे, आपने हमारी जिंदगी बचा ली, मैं बहुत मशकूर हूँ। वो उधर से आ रहे हैं, हाथ ऊपर करें अपने। गोली मत चलाइएगा, मैं आपके आगे हथियार डाल रहा हूँ। मेहमत भाई। शहजादे, आपने अपने साथ खेलने के लिए अच्छा साथी ढूंढ लिया है। वैसे हम ये बचकाना खेल खेलना नहीं चाहते थे, लेकिन गुलजमाल बाजी ने इसरार किया तो। आपने बहुत अच्छा किया। ये आपकी पहले की मौलमा जैसी नहीं है, गुलजमाल जरा मुख्तलिफ है, लेकिन बजाहिर इस मामले में ये इतनी काबिल नहीं लगती। आप जानते हैं इन्हें? जी शहजादे, एक दूसरे को जानते हैं। आपने कहा था कि किरकोर साहब ने आपकी चाबी इसलिए चुराई ताकि वो चोरी का इल्जाम आप पर बासानी लगा सके। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा, अहमद पाशा ने कहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? सर्बिया में जिंदगी बर्बाद करने के बजाय नाइब बनकर तुर्कों की मदद कर सकते हो तुम। करूंगा मैं, जरूर करूंगा मैं। सुल्तान मुअज्जम, ये तमाम आबदूजों के खाके हैं। क्या ये असल खाके हैं? मेरी हिफाजत के लिए मुसल्ला लोग बाहर मौजूद होते हैं, आपने उन्हें नहीं देखा? अब देख लीजिए, जहां मैं इशारा करूंगा वो वहां का निशाना लेंगे।